आमिर 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 साले मदरसा छा। तो भाई एक चीज तुम लोगों ने नोटिस करी होगी कि हमारे सेटअप में से क्या चीज गायब हो चुकी है और इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है। मतलब ये मत सोचना कि एल्विस भाई इसमें बहुत ज्यादा गाड़ी बकने वाले, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होने वाले, पर देखना तुम इस वीडियो को। तो भाई इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये नहीं बताने वाला कि आमिर माजिद कौन है, क्या करता है, कहां रहता है, किस बात की कंट्रोवर्सी है। अगर भाई तुम्हें सारी चीज जाननी है तो लक्ष्य सम्राट और अनुराग की वीडियो देख लो, तुम्हें सारी चीज समझ आ जाएगी। बट फिर भी मैं एक ओवरव्यू दे दूंगा जिससे तुम्हें पता चले कि भाई आमिर माजिद किस चिड़िया का नाम है। तो भाई बेसिकली आमिर माजिद एक सुअर है। तो भाई बेसिकली आमिर माजिद एक ब्लॉगर है जिसने छोटी मोटी कहासुनी के ऊपर अनुराग के ऊपर एक डिस्ट्रैक निकाल दिया और डिस्ट्रैक के अंदर उसको बोला यूके की रांड। उस डिस्ट्रैक में इसने क्या करा, उस डिस्ट्रैक के अंदर इसने अनुराग की बंदी के ऊपर रेसिस्ट कमेंट पास करे, उसको गाड़ी अनुराग को गाड़ी दी, एक पूरी कंट्री नेपाल को डीफेम कर दिया। उसके बाद इसका एक दोस्त राइस बैग कन्वर्टेड सैमी सामने निकल के आया, उसने क्या करा भाई, उसने अनुराग की और उसकी मंगेतर की प्राइवेट वीडियोस वायरल कर दी, मतलब ऑनलाइन पोस्ट कर दी और ये बोल दिया कि मैंने तुझे एक्सपोज कर दिया, इसको एक्सपोज कर दिया। अबे गट मरो, एक तुम में तो साला हलाला की पैदाइश है, एक हालेलुया की। उस डिस्ट्रैक्ट के बाद भाई इसकी मदरसा छाप ऑडियंस ने क्या करा, अनुराग को जाके खूब गाड़ी बकी, उसकी बंदी को जाके खूब गाड़ी बकी, उसको रेप थ्रेट दिए। उसके बाद भाई अनुराग ने क्या करा, एक आईजीटीवी वीडियो डाली, उसमें थोड़ा रोने लग गया कि भाई ऐसे ऐसे मेरे रेप थ्रेट आ रहे हैं, मेरी बंदी मेरी फैमिली को इतनी गाड़ी बकी जा रही है, मतलब कि खूब ज्यादा टॉर्चर करा। और उस पे हम तीनों ने क्या करा, मैंने सम्राट और लक्ष्य ने, हमने सिर्फ कमेंट करा, तुम सुनने वाली बात, सिर्फ कमेंट करा। मैंने तो यो कमेंट करता वी आर विद यू ब्रदर, वीडियो देखे मैं कहा भाई यार बेचारा परेशान है, मैं कोई दिक्कत वाली बात ना भाई, हम तुम्हारी गैल है। बस हमारे कमेंट पढ़ के जो आमिर माजिद परली साइड का जम्मू का, और हां एक जम्मू से बात याद आई, भाई कभी तुम सोच रहे हो कि मैं पूरे जम्मू को बदनाम कर रहा हूं, हर स्टेट में ना, हर स्टेट में कुछ ना कुछ लोग होते हैं, उसके चक्कर में मत सोचा करो भाई हमारा पूरा स्टेट बदनाम हो रहा, कुछ नहीं हो रहा भाई, अकेले बंदे की गलती है। उसके बाद भाई क्या सीन हुआ, उसने स्टोरी डाल के खूब गाड़ी गलौज करी, हमने गाड़ी भी ना बकी थी कि भाई ये आ रहे हैं कुछ लोग, आ रहे हैं क्रिएटर आ रहे हैं, उसके कमेंट कर रहे हैं बहन जो तुम ये हो वो हो, लक्ष्य को खूब गाली, लक्ष्य को तो बहुत गाली बकी भाई, और मेरे को भी खूब गाली बकी भाई। अगले ने तो पता है क्या सीन कर दिया, अगले ने तो एक प्रॉपर यूट्यूब वीडियो निकाल दी और उसका नाम क्या रखा, अब तो चलो नाम बदल दिया भाई, एक बात बताना तुमने नाम क्यों चेंज कर दिया, पहले नाम रख रखा कि माय रिप्लाई टू क्रिंज यूट्यूबर्स एक कांड की तीन बहनें, और अब देख लो जाके उसमें भाई खुली गाड़ी बकरा की, तुम्हारी गाड़ी फाड़ दूंगा मैं, तुम्हारी गाड़ी ये कर दूंगा, सारे जम्मू सेम, हमारे यहाँ ए के चलती जे के चलती, ना पता क्या का चलता, हमारे यहाँ पता क्या चलता हम ओ हाँ आप तो पीछे तुम हाँ बहन के लव, भाई को लगा कि ये बहुत बड़ा गैंगस्टर है, पर मैं भाई को बता दूं ब्रो ये 2021 चल रहा है, 1600 सन नहीं चल रहा। आमिर भाई एक बात सुनो, देखो ओ सॉरी भाई भी क्यों कह रहा हूं मैं इसको बहन, आमिर बहन चो मेरी बात सुनो आमिर भाई मेरी बात सुनो यार, तुम सुनते क्यों नहीं हो। देखो हमने गाड़ी बकी तुमको पहले, नहीं बकी हम दे सकते थे, हम तुम्हें पीट भी सकते, पर पीटा नहीं पीटा भाई, कभी दिल्ली आना या फिर गुड़गांव आना, कहीं भी आ जाइए यहाँ इस साइड, तो बता देना यार मैं ही जम्मू आ जाऊंगा, ठीक है। हमने नहीं करा, हमने सिर्फ कमेंट करा, तूने परली साइड से गाड़ी बकी और गाड़ी भी ढंग से नहीं दे पाया, उन्होंने कहा भोसरी के, अब साढ़े पंचर पुत्र भोसरी के नहीं होता, भोसड़ी के होता वो, खैर एक्स टिकटॉकरों से मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता। आमिर तुझे पता है अगर मैं तेरे लात मार दूंगा ना, अगर मैं तेरे लात मार दूंगा मेरे ऊपर एनिमल क्रुएलिटी का केस लग जाएगा यार, क्योंकि क्योंकि दोगला जानवर ही तो है तू। और यार आमिर ब्रो मेरे को एक चीज समझ नहीं आती बहन, जो तुम 23 साल कैसे जिंदा रहेगी, क्योंकि क्योंकि एवरेज सुअर की उम्र तो 10-12 साल ही होती है ना। वो तेरे को जम्मू का पब्लिक कभी बताएगा, कभी जम्मू में मीटअप रखना, कभी जम्मू आएगा तो मेरे से भी मिलके जाना, तेरे को सारी चीजों का पता लग जाएगा। अरे मदरसा छाप सुअर, ये जम्मू जम्मू कश्मीर कश्मीर ये सारी चीज ना करना बंद कर दे, क्योंकि वहां तक अगर 370 खत्म होगा ना तो तुम तो क्या ही हो फिर। और लद्दाख तो अब आना भी मत, तू लद्दाख गया तो नहीं होगा और अब आना भी मत, क्योंकि लद्दाख जो ना वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, तू जम्मू जैसे जम्मू में आएगा ना तो यहाँ का लोग तेरा फाड़ दे। इनका बताऊं भाई क्या सीन है, ये इंटरनेट गैंगस्टर, ये चिल्लाते रहेंगे ओए तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तू यहां आ जाइयो, मैं तो दिल्ली में ही था ब्रो, तू ना थोड़ा लेट हो गया स्टोरी डालने में, नहीं तो तेरे को वहीं आके तेरी जान मार देता, ये कर देता। आमिर ब्रो यार तुम्हारे एक फूट पर हेपेटिक का तुम यार तुम खो जाओगे भाई कहीं। भाई जो ऑनलाइन ऐसी बकचोदी करते हैं, इनका पता क्या सीन होता है, जब लास्ट मोमेंट आता ना कि भाई आ जा एक काम कर तू आ जा हम ही आ रहे हैं, फिर अपनी औरतों को आगे कर देते हैं। अब हमारी भाभी जी का मेरे पास मैसेज आया, पर हमारी भाभी जी ने अनसेंड कर दिया, क्या तो मेरे को ये बताओ कि क्या तो मैं घना सुतरा हूं, आमिर भैया पसंद नहीं आ रहा, या फिर हमारे जो कोठी बन रही है हमारी 350 गज की मेन रोड पे 57 वाले पे, तो वो देख ली क्या महंगी कोठी है थोड़ी। आमिर भाई थोड़ा औकात में रहा करो ना यार, औकात में रहा करो, तुम एक चीज बताओ जैसे मैं हूं भाई, देखो हम राव साहबों का पता क्या सीन है, हम ना ईमान के बहुत पक्के होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, पर ऐसी जगह भाई हमारा मन डोल जाता, फिर भाई तेरे को दुश्मन से ना साला बना दूंगा अपना, सही बता रहा हूं। और मुझे ना लगता है कि मैं तेरे से स्मार्ट भी अच्छा खासा हूं, ठीक है, दिख रहा ही होगा तेरे को, गाने में मारूंगा ना वहां पे तेरे को मैं मेंशन करूंगा, ये तो बंदी बंदी कर रहा था ना, इन्हें देख लो भाई शकल की बात भी कौन कर रहा है यार, शकल की बात भी कौन कर रहा है, जिसको खुद नहीं पता कि उसकी शकल अपने पापा पे गई है, मामा पे गई है, चाचा पे गई है, पड़ोसी पे गई है, हम पे गई है। पर एक बात बताऊं भाई, तुम्हारी शकल की स्ट्रेटजी बिगाड़ दूंगा, कसम बता रहा हूं, पर उससे पहले स्ट्रेटजी लगा के माय 11 सर्कल पे मैं टीम बना लूं। तो गाइस माय 11 सर्कल ऐप डाउनलोड कर लो, इसके अंदर आप वीवीएस लक्ष्मण राशिद खान अजय
सचिन केरहाने और दादा जैसे लेजेंड्स के साथ खेल सकते हो। इस पे खेलना बहुत ज्यादा इजी है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, कसम बता रहा हूँ भाई। 11 प्लेयर की एक टीम बनानी है और अगर तुम्हारी टीम बहुत ज्यादा बढ़िया हुई और तुमने हरा दिया वीवीएस लक्ष्मण भाई या फिर राशिद खान की टीम को, तो आपको मिलेगा 5 गुना एक्स्ट्रा कैश। इस बार का फर्स्ट प्राइज है 5 करोड़ रुपए। और भाई ये मैं सोच रहा कि 5 करोड़ सब में बढ़ जाएगा, पूल प्राइज नहीं है ब्रो, सिंगल आदमी का 5 करोड़। और भाई ऐप डाउनलोड करते ही आपको मिलेगा 1500 रुपए का साइन अप बोनस, और अगर मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आपको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश अपने फर्स्ट डिपॉजिट पे। और पैसा कमाते भाई अपने सीधा बैंक में ट्रांसफर कर लो या पेटीएम कर लो, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, और रोज कोई ना कोई जीत रहा है यार, तुम भी खेलो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड करो माय 11 सर्कल ऐप। और सुन लो भाई वो कंप्लेंट कर रहे कि एलविस भाई देखो उधर से तुम्हारी तरफ से ज्यादा बंदे नहीं आ रहे, भाई डाउनलोड कर लो जल्दी। सुन तू बंदा है जाली, तेरी गर्लफ्रेंड है काली, शक्ल से दिखता तू कॉल, तेरी बंदी नेपाली वो करे मुझे कॉल। इन जैसे शांति दूतों का पहले से ही फिक्स होता है कि भाई लड़कियों को हमें क्या समझना, और इसका एग्जांपल तालिबान खूब अच्छे से दे चुका। पता नहीं फिर भी कुछ लोग है हमारे देश में जो आज भी भाई बीआरपी के गंगा जमुनी तहजीब के पीछे पागल हुए डोल रहे हैं। लेकिन फिर भी कई बार आमिर जैसे लोग बिल्कुल सच दिखा देते, जैसे इसने इस बार भी दिखा दिया। इसकी कम्युनिटी पे एक पोस्ट डला और भाई इसने वो डिलीट भी नहीं करा जबकि कॉल आउट हो चुका था उस पे, और उसमें क्या कर रहा, उसमें एक लड़की को सेक्स स्लेव बता रहा। और आमिर भाई मेरी बात सुन, अगर सोच सेम जगह पे मैं तेरे घर वालों की तस्वीर लगा दूं, तेरे को कितना बुरा लगेगा? ओ सॉरी 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 भाई, आप तो लाइव देखते हो ना अपने घर में, इसको बुरा नहीं लगेगा भाई। दूसरे की बंदी को काली बोलने वाले को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और एक चीज बताता हूं, माना कि सेक्युलरिज्म के एक और गंदे कीड़े ने अपनी औकात दिखा दी, क्या करके एक हिंदू लड़की को बिना शादी करे उसका नाम और धर्म बदलवा के, बट फिर भी भाई लोग सपोर्ट करे क्योंकि भाई हमारे देश की माइनॉरिटी है यार। और फिर लोग बोलते हैं ओ भैया लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं होती। अरे मेरे भाई लव जिहाद जैसी चीज होती है, होता है पहले से और होता भी रहेगा। और समझ आए, ये पता है किसकी गलती है, किसकी गलती है, हम लोगों की गलती है जो हम ऐसी चीजों को सपोर्ट करते हैं और बहुत ज्यादा वोक बन जाते हैं कि क्या हुआ, प्यार करते हैं, ये करते हैं। अरे यार योगी जी आप पीएम बन जाओ ना, रुको जरा सबर करो। हाँ भाई अब बात करते हैं हमारे कन्वर्टेड सेमी राइस बैग के बारे में। ठीक है भाई एक चीज बता मेरे को, तू मेरे डीएम पे तो बहुत उछल रहा था कि एलविस भाई दोनों साइड की स्टोरी जान लेना, उसके बाद अपनी वीडियो पे काम करना। अरे भैया हम अपना आप काम कर लेंगे अपनी वीडियो पे, पर एक बात बता, तूने जान ये चीज है सेम चीज तैयार करी उनकी प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, तूने एक बार भी सोचे कि भाई तेरी वीडियो डालने से इनकी पर्सनल लाइफ पे क्या असर पड़ेगा? कल भाई लाइव में रो रहा कि भाई मैं सोच रहा था कि रस्सी से लटक के मर जाऊं, सुसाइड कर लूं। भाई ऐसी ऐसी स्टेज पे तुम बंदों को पहुंचा देते हो, तूने सोची एक बार भी? यार वो तो साला जियादी है, पर तू तो 50% हिंदुस्तानी है ना यार, तुझे शर्म आई भाई? नहीं आई ना, पर अब आई क्योंकि हम बैठे हैं ना यार। अब देखो भाई कोई भी कमेंट सेक्शन में जाके ये नहीं लिखेगा कि एल्विस का साला राइस बैग कन्वर्टेड, कोई कुछ नहीं करेगा कुछ भी, समझ आई? और एक बात बताऊं यार, वो तो साला विक्टिम कार्ड खेल देगा कि भैया हम तो माइनॉरिटी है, हम तो ये वो है। यार सैमी जानू तुम क्या खेलोगे, पिट्टू खेलोगे क्या? आजकल इंडिया में ना ऐसे बहुत सारे लड़के रहते हैं ना जो लोग मतलब ऐसे ही उसका जिंदगी ना खराब हो जाता है जब कोई लड़की आके उसके ऊपर फेक एलिगेशंस लगाते हैं, उन लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं रहता है। भाई सैड म्यूजिक बैकग्राउंड में लगा के तुम सिर्फ बच्चों का चूतिया बना सकते हो, हमारा चूतिया नहीं कटेगा यार। और एक बात बता भाई, तेरे को गाड़ियों का बहुत ज्यादा शौक है ना, है गाड़ियों का बहुत ज्यादा, तेरी गाड़ी में कील ठोक के दीवार पे लटका दूंगा तुम्हारी कसम। इनते इतना गाड़ी देने का जी है ना, इतना गाड़ी देने का जी है, पर मजबूर है क्योंकि इतनी गाड़ी मेरे मुंह से निकलती अच्छी ना लगेगी, इसलिए यार थोड़ा काम तुम भी कर लो, तो पेलो जितना पेल सको। अब ये मत कहना कि भाई एलिस भाई तुम ये बोल रहे हो, पेल दो भाई। भाई तुम्हारी कसम इन्हें गाड़ी पकड़ने का ना इतना जी है मेरा कि भर भर के इतना गाड़ी दूं, फिर मैंने सोची कि तुम क्या करोगे है। और बाबा एक बात बताऊं, अपने ना अपने कमेंट सेक्शन बंद कर दो, जैसे आपने अपनी बंदी के करवा दिए, समझ आई है, ऐसे अपना भी बंद कर लो। और इनकी वीडियोस को कोई रिपोर्ट नहीं मारेगा, इनके इंस्टा को कोई रिपोर्ट नहीं मारेगा, तुम्हारा वजूद खत्म करने का जी कर रहा है, पर ऐसा कोई कुछ नहीं करेगा भाई। और वीडियो पसंद तो तुम्हें आई होगी पक्की बात है, और मुझे पता तुम कहोगे एलिस भाई ऐसी वीडियो निकाले करो, भाई बीच बीच में निकालता रहूंगा, जब कोई ऐसे आएंगे ना उल्टे सीधे आदमी आएंगे मैं पक्का निकालूंगा ऐसी वीडियो। जब तक वीडियो को सब्सक्राइब हिंदू भाइयों शेर बनो, जवाब दो ना, शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेले।